हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने कंप्लीट किया था जो लास्ट क्लास चल रही थी हमारी सॉलिड स्टेट फिजिक्स की। फर्स्ट क्लास थी कल हमारी। सबसे पहले आप चैप्टर के बारे में बताया क्रिस्टल आबंधन, उसके बाद उनके परमाणुओं के मध्य फोर्स। आज हम चालू करते हैं हमारा जो टॉपिक है क्रिस्टल आबंधन। क्रिस्टल आबंधन या कहें क्रिस्टल बॉन्डिंग, क्रिस्टल आबंधन या क्रिस्टल बॉन्डिंग। जो बॉन्ड होता है वो बंध होता है, वो कैसे बनता है, उस बंध का निर्माण, इसी कहते हैं हम क्रिस्टल आबंधन या क्रिस्टल बॉन्डिंग। क्रिस्टल आबंध क्या होता है बेटा? जब दो परमाणुओं को परस्पर निकट लाया जाता है, जैसे कि हमारा एक परमाणु ये, दूसरा परमाणु ये परमाणु ए और दूसरा परमाणु बी, जब इन दोनों परमाणुओं को परस्पर निकट लाया जाता है तो इनके मध्य विद्युत स्थैतिक अन्योन क्रिया, विद्युत स्थैतिक अन्योन क्रिया इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरसेक्शन के कारण परमाणु आपस में बंध बनाकर ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। जो क्रिस्टल आबंधन या क्रिस्टल का जो निर्माण होता है वो किससे होता है? बंध से। कब? माना ये परमाणु ए दूसरा परमाणु बी, जब इन दोनों को हम क्या लाए, निकट लाए, तो दोनों के मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरसेक्शन के कारण क्या होगा, परमाणु आपस में क्या बना लेते हैं, बॉन्ड बना लेते हैं, और बॉन्ड बनाकर एक ठोस पदार्थ के क्रिस्टल का निर्माण करते हैं। क्रिस्टल निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा, क्रिस्टल निर्माण के लिए आवश्यक ऊर्जा बंधन ऊर्जा, बंधन ऊर्जा बॉन्डिंग एनर्जी या बॉन्ड एनर्जी, या ससंजक ऊर्जा, ससंजक ऊर्जा कहलाती है। जो क्रिस्टल का जो निर्माण होता है उसके लिए जो हमें एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है, वही एनर्जी हमारी बंधन एनर्जी या ससंजक एनर्जी या कहलाती है। किसी क्रिस्टल को ब्राह्म अवस्था में, कोई क्रिस्टल है यदि वो कैसा है ब्राह्म अवस्था में, तो स्वतंत्र उदासीन, तो उसके घटक, किसी क्रिस्टल को ब्राह्म अवस्था में उसके घटक स्वतंत्र उदासीन परमाणुओं को इनफाइनाइट तक पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा ससंजक ऊर्जा कहलाती है। ससंजक ऊर्जा की क्या परिभाषा होती है बेटा? ससंजक ऊर्जा किसी क्रिस्टल को, किसी क्रिस्टल को ब्राह्म अवस्था में उसके घटक स्वतंत्र उदासीन परमाणुओं को इनफाइनाइट तक पृथक पृथक करने के लिए आवश्यक प्रति परमाणु ऊर्जा ससंजक ऊर्जा कहलाती है, और इसी के कारण बनने वाला अणु, ससंजक ऊर्जा के कारण जो बनने वाला अणु होता है वह स्वतंत्र परमाणुओं में सबसे अधिक होता है, मोर स्टेबल होता है। ससंजक ऊर्जा के या ससंजक एनर्जी के कारण जो बनने वाला अणु होता है वो सभी स्वतंत्र परमाणुओं में सबसे क्या होता है, अधिक स्थायी होता है, या कहें मोर स्टेबल होता है। और परमाणुओं या अणुओं के मध्य मुख्यतः पांच प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम बॉन्ड की। परमाणुओं या अणुओं के मध्य मुख्यतः पाँच प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं या पाँच प्रकार के बंध पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ा बंध के बारे में और जान लेते हैं। अभी बताया जब दो स्वतंत्र परमाणुओं को, ये परमाणु ए ये परमाणु बी, परमाणु ए परमाणु बी, जब इन दोनों को क्या लाते हैं, हम पास में लाते हैं, तो इनके मध्य इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन होती है, इसके कारण ये दोनों परमाणु एक बंध बना के एक क्रिस्टल का क्या कर लेते हैं, निर्माण। यही क्या होता है, बंध होता है। या कहें हम दूसरी बात भाषा में, जब किन्हीं दो स्वतंत्र परमाणुओं को निकट लाया जाता है तो साम्य अवस्था की स्थिति में, अर्थात इनके मध्य जो क्या होगा, बल होगा,
दोनों परमाणु जिस स्थिर वैद्युत अन्योन क्रिया द्वारा बंधे होते हैं उसे बंध कहते हैं, एवं साम्यावस्था की स्थिति में दोनों परमाणुओं के मध्य की जो दूरी वो क्या कहलाती है, ये परमाणु बी और इन दोनों के मध्य दूरी क्या कहलाती है, बॉन्ड लेंथ या बंध लंबाई। और बंध लंबाई और सामान्यतः किसकी होती है, एंगस्ट्रॉम की कोटि की। बताया था कल हमने आपको हाइड्रोजन के लिए जो बॉन्ड लेंथ है वो कितनी होती है, 74 पिकोमीटर। परमाणुओं की प्रकृति के आधार पर बंध 5 प्रकार के होते हैं। बंध कितने प्रकार के होते हैं बेटा, 5 प्रकार के। पहला आयनिक बॉन्ड, आयनिक बंध। दूसरा सहसंयोजक या कोवलेंट बॉन्ड। थर्ड दात्विक बंध या मेटेलिक बॉन्ड। नेक्स्ट वांडरवाल बंध, या इस वांडरवाल बंध का ही अन्य जो नाम है लंदन बल। नेक्स्ट हाइड्रोजन बॉन्ड, प्रकृति में मुख्यतः कितने प्रकार के बॉन्ड पाए जाते हैं बेटा, 5, आयनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, मेटेलिक बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड, धात्विक बॉन्ड, सहसंयोजक बॉन्ड, वांडरवाल बॉन्ड या हाइड्रोजन बॉन्ड। सबसे पहले हम पढ़ते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड को। आयनिक बॉन्ड, जो आयनिक बॉन्ड होता है बेटा, जब क्रिस्टल धनात्मक व ऋणात्मक आयनों से बने होते हैं। क्रिस्टल का मतलब क्या था, ये परमाणु ए, ये परमाणु बी, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेते हैं तो ये किसका निर्माण होता है, क्रिस्टल का। ये बताया बेटा। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जब क्रिस्टल धनात्मक, इसका मतलब ये कैसा धनायन, व ऋणात्मक ऋणायन, इन दोनों से मिलकर बना होता है तो इनके मध्य वो बॉन्ड बनता है, जो बॉन्ड बनता है वो क्या कहलाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और आयनिक बॉन्ड में एक परमाणु की आयन ऊर्जा कम होती है, किसी एक परमाणु की आयन ऊर्जा क्या होती है, कम। क्यों, ताकि वह आसानी से बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन को क्या कर दे, त्याग कर दे। आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत एक परमाणु की जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होती है, कम। क्यों, ये ताकि बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, त्याग कर दे। जबकि एक परमाणु की आयनन ऊर्जा अधिक होती है, जबकि एक परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंटी का मान क्या होता है, मैक्सिमम होता है, ताकि वो इलेक्ट्रॉन आसानी से ग्रहण कर सके। तो आयनिक बंध क्या हुआ बेटा, जब क्रिस्टल का निर्माण होता है वो ऋणात्मक आयन धनायन के मध्य होता है, या कहें ऋणायन व धनायन के मध्य बनने वाला बॉन्ड आयनिक बॉन्ड कहलाता है। और ऐसे क्रिस्टल क्या कहलाएंगे बेटा, आयनिक क्रिस्टल। और यह बंध केवल और केवल तब बनते हैं जब बंध में उपस्थित दोनों परमाणुओं में से एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता अर्थात कम आयन ऊर्जा व दूसरा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता रखता हो, अर्थात उसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता या इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी क्या हो, मैक्सिमम हो, तब क्या बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। अर्थात एक परमाणु तो क्या हो, इलेक्ट्रॉन डोनर, जबकि एक परमाणु क्या हो, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, या एक परमाणु तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन दाता, जबकि जो दूसरा परमाणु है वो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो जब इन दोनों के मध्य क्या बनेगा, आयनिक बॉन्ड बनेगा, ये धनायन ये ऋणायन। तो ये धनायन क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, किस वाले को, ऋणायन वाले को। तो ये इधर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन दाता या कहें हम डोनर, जबकि ये परमाणु क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो इन दोनों परमाणुओं के मध्य जो बॉन्ड बनता है, या कहें ऋणात्मक आयन व धनायन के मध्य जो बॉन्ड बनता है वही क्या कहलाता है बेटा, आयनिक बॉन्ड कहलाता है। आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, केवल और केवल तभी बनेगा जब एक परमाणु इलेक्ट्रॉन
त्याग करने की क्षमता रखता हो, जबकि दूसरा परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता। इलेक्ट्रॉन कौन त्यागेगा? जिसके लिए उसकी आयन ऊर्जा का मान क्या हो? कम होगा। जबकि इलेक्ट्रॉन ग्रहण कौन करेगा? जिसके लिए उसकी इलेक्ट्रॉन बनता इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान क्या हो? मैक्सिमम। तभी उसी कंडीशन के अंतर्गत आयनिक बॉन्ड का निर्माण होता है। आयनिक बॉन्ड अधिकांशतः अकार्बनिक यौगों में पाए जाते हैं। ये अधिकांशतः अकार्बनिक यौगिकों में पाए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल NaCl, Na, Ne, 3Cl plus Cl, Ne, 3S1, NaCl, आयनिक यौगिक है, CaCl2, अकार्बनिक यौगिकों में क्या मिलेगा हमको? आयनिक बॉन्ड। और आयनिक जो बॉन्ड होता है बेटा, ये सबसे प्रबल होता है, सबसे प्रबलतम होता है। इसलिए आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक एवं क्वथनांक अधिक होते हैं, या कहें आयनिक बॉन्ड सबसे प्रबल होता है। इसी के कारण जो आयनिक बॉन्ड होते हैं उनके उनके द्वारा क्या निर्माण, किसका निर्माण होता है? आयनिक क्रिस्टल का। तो आयनिक क्रिस्टल के जो गलनांक व क्वथनांक के मान होते हैं वो क्या होते हैं? उच्च होते हैं। और आयनिक क्रिस्टल सुसंकुलित या बोले बेटा दृढ़ता पूर्वक संरचना वाले होते हैं। ये कहानी थी हमारी आयनिक बॉन्ड की। एक बार वापस चलते हैं। आयनिक बॉन्ड क्या होगा? जब धनायन और ऋणायन हो, ये धनायन और ऋणायन, इनके मध्य धनायन ऋणायन छाता से किसका निर्माण हो रहा है? आयनिक क्रिस्टल का। तो इनके मध्य जो बॉन्ड होगा वो कहलाएगा हमारा आयनिक बॉन्ड। कब? इसमें से एक परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता हो, जबकि एक परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की। इलेक्ट्रॉन त्यागेगा कौन? जिसकी आयन ऊर्जा का मान क्या होगा? कम। अर्थात वो परमाणु क्या होगा? इलेक्ट्रॉन दाता, डोनर। जबकि दूसरा परमाणु जिसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता, इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान क्या हो? लेस देन हो। इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान क्या हो? मैक्सिमम हो, अधिकतम हो। अर्थात वह परमाणु क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन ग्राही या इलेक्ट्रॉन स्पेक्टर। तो तभी आयनिक बंध का निर्माण होगा। और जो आयनिक बंधों के द्वारा जो क्रिस्टल बनते हैं वह आयनिक क्रिस्टल कहलाते हैं। आयनिक बंध सबसे प्रबलतम होता है। आयनिक बंध केवल और केवल अकार्बनिक यौगों को आयनिक बंध अकार्बनिक यौगों में पाया जाता है। आयनिक बंध सबसे प्रबल होते हैं, इसलिए आयनिक क्रिस्टलों के गलनांक व क्वथनांक क्या होते हैं? उच्च होते हैं। एवं आयनिक क्रिस्टल सुसंकलित या दृढ़तापूर्वक संरचना वाले होते हैं। अब आयनिक क्रिस्टल में ही हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो अभी हमने आपको बताया आयन ऊर्जा, आयन ऊर्जा का मान क्या हो? कम। तो आयन ऊर्जा क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी। आयनिक बॉन्ड के अंतर्गत हमारा टॉपिक ए है आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी। किसी उदासीन परमाणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन को, या कहें संयोजी इलेक्ट्रॉन को, कोई हमारा क्या है? उदासीन परमाणु। किसी उदासीन परमाणु के बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा परमाणु की आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयन ऊर्जा क्या होगी? किसी परमाणु के
या किसी एटम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, या वापस सुनो बेटा, किसी उदासीन परमाणु के या किसी उदासीन एटम के बैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर पॉजिटिव आयन या कहें हम धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। तो आयन ऊर्जा क्या होगी बेटा, किसी उदासीन परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालकर धनायन बनाने के लिए आवश्यक ऊर्जा उस परमाणु की आयनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। एग्जाम्पल देखो, Na गैस प्लस 5.14 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो Na प्लस गैस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो ये Na क्या है, परमाणु है, गैस है, इसके लिए 5.14 क्या इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होती है इसकी आयनाइजेशन एनर्जी। तब इससे क्या लगता है, इसकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है। सेकंड टॉपिक है बेटा, अभी हमने आपसे बताया था कि आयनिक बॉन्ड कब बनेगा, जब एक परमाणु के लिए आयनाइजेशन एनर्जी का मान क्या हो लेस देन, जबकि अन्य परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी का मान क्या हो अधिकतम। तो हमारा अगला टॉपिक है इलेक्ट्रॉन एफिशिएंसी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इलेक्ट्रॉन बंधता इलेक्ट्रॉन बंधता क्या होती बेटा, जब किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणात्मक आयन बनाया जाता है, किसी उदासीन परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके किसका निर्माण कर रहे हैं, ऋणायन का, या कहें हम ऋणात्मक आयन या नेगेटिव आयन। तो दोनों परमाणु कुछ ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, ए परमाणु और बी परमाणु। अब इन दोनों की सहायता से क्या बना दिया हमने, एक ऋणात्मक आयन बनाया। तो ये दोनों परमाणु क्या करेंगे, कुछ ऊर्जा के क्या करेंगे, उत्सर्जन कर देंगे। और उत्सर्जित यह परमाणु की ऊर्जा, या कहें उत्सर्जित यही ऊर्जा परमाणु की इलेक्ट्रॉन बंधुता कहलाती है। जैसे क्लोरीन गैस, ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्या बनेगा, Cl- गैस, तो कितनी इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित की, -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या कहलाएगी, क्लोरीन गैस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। अतः हम कह सकते हैं कि Na व Cl परमाणुओं को स्वतंत्र रूप से Na प्लस व Cl माइनस आयन बनाने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, 5.14 माइनस 3.61। 5.14 क्या थी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, 3.61 क्या थी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, किसके इक्वल आएगा, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लेकिन जब Na प्लस व Cl माइनस आयनों को अनंत दूरी से एक दूसरे के क्या लाते हैं, पास लाते हैं, तो विपरीत आवेश आयन होने के कारण इनके मध्य कूलाम आकर्षण बल या कूलाम अट्रैक्टिव फोर्स लगता है, जिसके कारण इनकी स्थितिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। अर्थात NaCl अणु बनने के बाद स्थितिज ऊर्जा में कमी के बराबर ऊर्जा क्या होगी, उत्सर्जित हो जाती है। इसे NaCl की बॉन्डिंग एनर्जी कहते हैं, और जिसका मान क्या होता है NaCl के लिए बॉन्डिंग एनर्जी या बंधन ऊर्जा का मान क्या होता है, -6 इलेक्ट्रॉन बोल्ट। क्यों, जब Na प्लस व Cl माइनस को अनंत दूरी से कहाँ ला रहे हैं, हम एक दूसरे के पास ला रहे हैं, तो विपरीत आवेश होने के कारण Na प्लस, देखो बेटा ये हमारा Na प्लस, ये Cl माइनस, ये दूरी, ये प्लस ये माइनस, कैसा विपरीत, विपरीत के मतलब कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स या आकर्षण बल, तो इनके मध्य क्या लगेगा, कूलाम आकर्षण बल, जिसके कारण इनकी जो स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी वो किसके बराबर आएगी, NaCl अणु के बनने के बाद उनकी स्थितिज ऊर्जा में जो कमी आती है उसके बराबर क्या करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित करेगा। अर्थात NaCl की जो बर्निंग एनर्जी का मान किसके बराबर होगा, -6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। इसलिए Na व Cl के उदासीन परमाणुओं में NaCl अणु बनाने के लिए
परिणामी उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी? देखो बेटा Na प्लस Cl माइनस में क्या बनाया, NaCl, तो लास्ट में जो परिणामी उत्सर्जित ऊर्जा क्या होगी, माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि इसकी स्थित ऊर्जा कितनी थी, माइनस 6, प्लस इसकी जो टोटल एनर्जी क्या आई थी, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितनी आ जाएगी, माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि माइनस 6 तो क्या थी, इसकी स्थित ऊर्जा, और 1.5 क्या निकली थी, 1.5 निकली थी हम Na प्लस स्वतंत्र रूप से बनाने के लिए, क्योंकि 5.1 क्या था इसका, 5.14 इसकी थी आयनाइजेशन एनर्जी, एवं 5.1 तो थी इसकी आयनाइजेशन एनर्जी, एवं 3.61 क्या थी इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या आयन ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन बनता जब इसमें से लुटाया तो क्या मिला बेटा हमको, 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब लेकिन इसकी स्थिति ऊर्जा में कमी आएगी कितनी, माइनस 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो टोटल जो इसकी जो ऊर्जा होगी वो कितनी आएगी, माइनस 4.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये था हमारा इलेक्ट्रॉन बंधुता व इलेक्ट्रॉन बंधुता व आयरन ऊर्जा के एग्जांपल। सेकंड टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्ड से रिलेटिव ही, नेक्स्ट टॉपिक थर्ड टॉपिक, आयनिक क्रिस्टल की आबंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा, आबंधन ऊर्जा या ससंजक ऊर्जा, थोड़ी देर पहले बता दिया, स्वतंत्र परमाणु जब परस्पर क्या करते हैं, अन्योन क्रिया करते हैं, इंटरसेक्शन करते हैं, कर किसी क्रिस्टल जालक का क्या करते हैं, निर्माण, तब स्वतंत्र परमाणुओं की ऊर्जा व क्रिस्टल ऊर्जा के अंतर को क्या कहते हैं, ससंजक ऊर्जा। ससंजक ऊर्जा क्या होगी, स्वतंत्र परमाणु जब परस्पर विद्युत अन्योन क्रिया कर किसी क्रिस्टल जालक का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, तब स्वतंत्र परमाणु की ऊर्जा, स्वतंत्र परमाणुओं की ऊर्जा माइनस क्रिस्टल ऊर्जा, इसका अंतर ही इसके इक्वल होगा बेटा, संजक ऊर्जा के इक्वल। आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा प्रति आयन युग्म, आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा प्रति आयन युग्म निम्न होती है, जैसे यू सी आयनिक क्रिस्टल ससंजक ऊर्जा यू ए प्लस यू आई प्लस यू एल। यू सी क्या होती है बेटा, यहाँ पर आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा, यू ए क्या होती है आयनिक क्रिस्टल की इलेक्ट्रोमंता, UI क्या होती है आयनिक क्रिस्टल की आयन ऊर्जा, और UL होती है जालक ऊर्जा। तो आयनिक क्रिस्टल की ससंजक ऊर्जा बराबर होती है UC बराबर UA प्लस UI प्लस UL, इलेक्ट्रॉन बंधुता प्लस आयन ऊर्जा प्लस जालक ऊर्जा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आयनिक बॉन्ड्स के बाद क्रिस्टल ऊर्जा, क्रिस्टल एनर्जी, किसी क्रिस्टल में उपस्थित एक आयन पर अन्य सभी आयन, ये हमारा कोई क्रिस्टल है इसमें एक आयन ये और आयन ये, तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित एक आयन पर अन्य सभी आयन, यदि ये धनात्मक है और ये धनात्मक ये ऋणात्मक, तो ये धनात्मक वाला तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षण धनात्मक वाला क्या लगेगा, आकर्षण है धनात्मक ऋणात्मक, तो किसी क्रिस्टल में उपस्थित एक आयन पर अन्य सभी आयन आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगाते हैं, अतः इनके संगत स्थित ऊर्जाओं का योग ही आकर्षण बल के संगत ऊर्जा, इसके लिए प्रतिकर्षण लगाया था इसकी संगत ऊर्जा का योग ही उस क्रिस्टल की क्रिस्टल ऊर्जा या क्रिस्टल एनर्जी कहलाता है, जो कि न्यूनतम स्थित ऊर्जा होती है, अतः स्पष्ट है कि क्रिस्टल ऊर्जा दो ऊर्जाओं से मिलकर बनी होती है, पहली होती है हमारी आकर्षण स्थित ऊर्जा, जबकि दूसरी होती है हमारी आकर्षण स्थित ऊर्जा। वापस समझो बेटा एक बार, क्रिस्टल ऊर्जा क्या होगी, देखो ये हमारा कोई क्रिस्टल है, ठीक है, यहाँ कोई आयन है, माना ये आयन है धनायन, ये आयन धनायन ऋणायन, धनायन ऋणायन,
धनायन ऋणायन ऋणायन ऋणायन। अब मैं कह रहा हूँ बेटा सुनो, ये मैंने आयन लिया किसी एक आयन पर, किसी क्रिस्टल में किसी एक आयन पर अन्य सभी आयनों द्वारा। देखो ये आयन कैसा है, धनात्मक, तो ये कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण। ये ऋणात्मक क्या लगाएगा, आकर्षण। प्रतिकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण प्रतिकर्षण आकर्षण। तो किसी क्रिस्टल में किसी एक आयन पर अन्य आयनों द्वारा आकर्षण या प्रतिकर्षण बल के द्वारा बल लगाते हैं, तो इनकी संगत जो स्थिति ऊर्जा होगी उसका योगी क्या कहलाएगा, क्रिस्टल एनर्जी। अर्थात क्रिस्टल एनर्जी दो प्रकार की होगी, प्लस आकर्षण, सेकंड प्रतिकर्षण। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे, आकर्षण स्थिति ऊर्जा, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी। और उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है प्रतिकर्षण, रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी। आकर्षण, अट्रैक्टिव पोटेंशियल एनर्जी एवं रिपल्सिव पोटेंशियल एनर्जी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसे हम नेक्स्ट क्लास में कल कंटिन्यू करेंगे।